लोटस आसन है जो कि कागज में से मैंने बनाया हुआ है। हमें गणपति जी की मूर्ति के नीचे कमल का आसन बनाना है कपड़े में से, तो उससे पहले जो एस्टिमेट लगाना होता है, प्लानिंग करनी होती है कि कौन सी साइज़ की पंखुड़ियाँ कटेगी, आसन की चौड़ाई कैसे निकलेगी कपड़े में से, तो वो सब प्लानिंग की शुरुआत पेपर वर्क से मैं कर रही हूँ। सबसे पहले ड्रॉ कर लूँगी लोटस को, फिर उसमें से पंखुड़ियाँ कट करूँगी। देखिए हमें इस साइज़ की पंखुड़ियाँ कट करनी है, पिंक कलर की और ग्रीन कलर की। तो आप देखिए क्रिएटिव स्किल किसको कहते हैं उसका एक एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ। ये पंखुड़ी स्क्वायर में से कट नहीं हो सकती, इतना हिस्सा रह रहा है, लेकिन मुझे इसी स्क्वायर में से ग्रीन पंखुड़ी कट करनी है, तो कैसे होगी आप भी सोचिए। देखिए अगर ये स्क्वायर को ऐसे रखा जाए और इस पंखुड़ी को ऐसे रखा जाए, तो देखिए यही स्क्वायर में से ग्रीन कलर की पंखुड़ी निकल आएगी। तो ये पंखुड़ियाँ हम कट करेंगे बहुत सारी। अब हमें बीच का सर्कल बनाना है, तो उसके लिए ये हमारे पास एक केप पड़ी थी, ये जुगाड़ लगाया है। ये जो शेप है उससे चार उंगलियाँ छोड़ के बड़ा राउंड बनेगा। कमल का जो पहला लेयर बनाएंगे उसमें ये साइज़ की पंखुड़ी रहेगी, और पीछे का जो सेकंड लेयर है उसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी बड़ी होगी, और जो पत्तियाँ हैं ग्रीन कलर की उसकी साइज़ ये रहेगी। अब ये पंखुड़ी को हमें ऐसे रखना है ताकि वो ऐसे उठी हुई रहे। आप देख सकते हैं ये उठी हुई पंखुड़ी है, ये फ्लैट पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियाँ कट हो गई हैं, 15 पेटल्स हमने कट की हुई है, ये ऐसी फ्लैट है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने कट किया हुआ है, और उसकी एजिस को मैंने अब पेंसिल या ऐसा कोई भी टूल हो आपके पास, ये ब्रश है, तो इससे मैंने क्या किया है, ये फ्लैट पंखुड़ी को ऐसे पकड़ के, कोई भी आपके पास बॉल पेन हो पेंसिल हो उससे आप थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लीजिए, साइड पर भी इस तरीके से हल्का हल्का ही आप मोड़ना है। तो आप देखिए ये पूरा एक पंखुड़ी जैसा फोल्ड हो गया है। अब क्या करना है, अंदाजे से 1.5 इंच का मैं बीच में काप लगा रही हूँ, काटा है इसको, हल्का फेविकोल लगाया है, और इसको ऐसे चिपका देना है। तो आप देखिए इस तरीके से जो फ्लैट पंखुड़ी है, आप फ़र्क देखिए, ये फ्लैट है और ये उठी हुई पंखुड़ी है। तो इस तरीके से हम पूरे गोलाई में लगाएंगे और जॉइंट फ्लावर या जॉइंट लोटस जैसा क्रिएट करने जा रहे हैं। सभी पेटल्स को हम रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी सारी पेटल्स रेडी हो गई हैं। अब देखिए ये पंखुड़ी की बैक साइड में हम ऐसे फेविकोल लगा रहे हैं, हल्का हल्का ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इसको ये जो आपको लाइन दिख रही है उसके अंदर हम इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा जब तक ये MDF को पकड़ ना ले। देखिए दूसरा करके दिखाती हूँ, इस तरीके से पूरे राउंड में हम पेटल्स को लगाएंगे जहाँ पे भी हमने लाइन की हुई है। पूरे में पंखुड़ियाँ लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये फर्स्ट लेयर हमारी बाहर की हो गई है। ये फर्स्ट लेयर चिपकने के बाद अब हम पहले ये पेटल्स को रख के देख लेंगे कि कितनी ज़रूरी है इसमें लगानी। तो ये परफेक्ट बैठ गई है, अब हम इसको चिपकाएंगे। देखिए इस तरीके से पेटल्स को फेविकोल लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसको उठाकर ये जो पंखुड़ी के बीच का जो गैप है उसमें ऐसे बिठाना है और हाथ से दबाना है अच्छे से, या तो आप चाहे तो वज़न भी रख दीजिए। ऐसे वज़न रख देंगे तो वो MDF को अच्छे से पकड़ लेगा। नीचे जो हमारा बेस है वो MDF का है। ये कागज़ है, ज़्यादा फेविकोल लगा देंगे तो वो गीला हो जाएगा और पंखुड़ियाँ बैठ जाएगी। तो जितना ज़रूरी है उतना ही हमें लगाना है, ना कम ना ज़्यादा। ये तीसरी पेटल हम लगाने जा रहे हैं। आप चाहें तो डार्क और लाइट पिंक शेड की कार्डशीट भी कट करके लोटस या ये जॉइंट फ्लावर बना सकते हैं। तो ऐसे हम पूरा सर्कल रेडी कर लेंगे। हमारा ये दूसरा लेयर भी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत
जॉइंट फ्लावर रेडी हुआ है। अब आप चाहें तो ऐसी मल्टीपल लेयर्स करके सेंटर में भी ऐसा ही फूल का कली बना के रख सकते हैं। अभी हम बीच में गणपति जी की मूर्ति रख देंगे। तो अभी जो ये MDF आपको प्लेन लग रहा है, उसको आप या तो स्प्रे पेंट कर सकते हैं या तो आप ऐसा ही पिंक कार्डशीट को चिपका सकते हैं। अब ये बीच का जो खाली स्पेस है उसकी एजिस पर हमने ये फेविको लगा लिया है। अब हम इसको चिपकाने जा रहे हैं। इस तरीके से करते हैं। अगर कार्डशीट छोटा रहता है तो आप इस तरीके से हाफ ऑफ करके भी सर्कल चिपका सकते हैं। ठीक है, पहले देख लेंगे मेजरमेंट। अब इसको हल्के से प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारा जॉइंट फ्लावर रेडी हो गया है। बीच में गणपति जी की मूर्ति रखेंगे। तो आपको हमारा ये जॉइंट फ्लावर बनाने का तरीका, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ज़रूर से यूज़फुल होगी, आप भी ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।